यही बन रही है हमारी चाय। आज भाभी गई है अपने स्कूल जहाँ भाभी टीचर है ना, तो आज हम खुद बना रहे हैं। तो खुद काम करना सीखना चाहिए, क्रेडिट आ गया सारे काम करने पड़ सकते हैं खुद। आज हम चाय बना रहे हैं, सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। जे बात अगर आपको सर्वाइव करना है, कि कैनेडियन चाय मेड बाय अस। हाँ सारे काम करने पड़ते हैं, आदत डाल रहे काम करने की। आजा तभी चाय ले ले भाई। यार कोई ऐसा ट्रक ले दे यार, बस मेरे दिल में बसा पड़ा। लेंगे लेंगे बाजी लेंगे। ये यहाँ की थार है, मुझे लेनी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं बैंक अकाउंट खुलवाने। इस कंट्री में ना तीन चीज़ों की सबसे पहले बहुत ज़रूरत है। एक तो आपका हो गया मोबाइल नंबर यहाँ का लोकल, और दूसरा बैंक अकाउंट हो गया, और तीसरा लाइसेंस। तो अभी फ़ोन नंबर तो हम ले चुके हैं यहाँ का लोकल, और अभी हम जा रहे हैं बैंक अकाउंट खुलवाने। तो ये भाई हमारा छोड़ने जा रहा है मेरे को, नितिन को, और मेरा भतीजा भी साथ जाएगा। तो वहाँ तक हमें बैंक तक छोड़ेगा, फिर वहाँ से हम अपना चेक इन अकाउंट खुलवाएंगे। चेक इन ही खुलवा सकते हैं एज अ टूरिस्ट, और यहाँ पर हर जगह के लिए ना कार्ड की ज़रूरत रहती है। कैश बहुत कम जगह एक्सेप्ट होता है, होता भी है तो ज़्यादा अमाउंट नहीं लेते, थोड़ा बहुत कैश लेते हैं। तो कार्ड बनवाना है, वो करना है, और उसके बाद हम लोग फ़ोन नंबर ले चुके हैं, फिर वो काम हो जाएगा, उसके बाद फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए आप लोग चलिए हमारे साथ, आज अकाउंट खुलवा के आते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी, हम पहुँच गए हैं TD बैंक, TD कैनेडा ट्रस्ट। हाँ, यहाँ पर हम अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। तो अभी अंदर जाते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या तरीका है, कैसे अकाउंट खुलेगा, आपको सब कुछ बताएंगे। अभी मैं और नितिन जा रहे हैं, और मेरा भतीजा इस तविश, इसने ज्वाइन किया हमें। ये आज हमारे वापस घर तक, ये हम यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे, ऐसा कुछ प्लान था। भाई अभी छोड़ गए कार पे, तो अभी हम यहाँ अकाउंट खुलवाएंगे, फिर अकाउंट खुलवा के पैदल ही जाएंगे घर तक। तो चलिए अभी पहले अकाउंट खुलवाते हैं। अंदर आई थिंक बैंक में कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर तो कुछ बना नहीं पाऊंगा। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको बता दूँ, जो प्रोसेस है वो सब आपसे शेयर करूँगा आपसे। मैं अकाउंट खुलवाने की भी अपॉइंटमेंट दे दी, तभी से क्या किया चाचू, यहाँ पे तो नाइयों की दुकान से भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। नाई के मतलब बाल कटाने, तो भी अपॉइंटमेंट लेनी है, तो भी वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। ओके, सो गाइस वी आर स्टैंडिंग हियर एट TD बैंक, और ये इन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी है हमें। और मैंने कहा अपॉइंटमेंट दे दी है, तो मेरा भतीजा कह रहा है चाचू या तो नाई के यहाँ बाल कटाने जाओ, उसकी भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बट ठीक है, अब नई नई कंट्री है, थोड़े थोड़े रूल्स नए नए समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो अपॉइंटमेंट मिली है 17 तारीख की, एंड टुडे इज़ आई थिंक 14, 14 तारीख क्या है, 17 की अपॉइंटमेंट मिली है। 17 को ये मेरा अकाउंट खोलेंगे। और एक मज़े की बात आपको और बताता हूँ, ये लोग कोई इंटरेस्ट नहीं देते हैं बैंक में पैसा रखने पे, यहाँ पैसे रखने के पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कि चाहे मैं इधर $1,000 डालूँ, चाहे $2,000 डालूँ, मुझे उसको रखने के लिए $14 मिनिमम पर मंथ देना पड़ेगा, एल्स मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा $5,000 का। तब उसमें क्या है, इंटरेस्ट तो कुछ नहीं मिलना है कभी अभी, और बस ये कि जो $14-15 ये मंथली चार्ज ले रहे हैं वो नहीं लगेगा। तो यहाँ के रूल्स थोड़े से अलग है, तो बट ये अकाउंट भी ज़रूरी है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। हर जगह पे अकाउंट चाहिए, हर जगह पे कार्ड चाहिए, तो वो कार्ड वगैरह सब कुछ यहीं से पॉसिबल होगा बनना। तो चलिए अब 17 को ही आएंगे, अभी वॉक करते हुए वापस चलते हैं, आपको साथ लेके चलते हैं। यार ऐसी कोई गाड़ी लेनी है यार, ये लाल वाली कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, लाल भी ब्लू भी। अरे दो गाड़ियाँ लेंगे, दो भाई है, दोनों ने आतंक मचा रखा। ऐसा कोई आजकल वो भी चल रही ना रील कि दो भाई थे, दोनों ने आतंक मचाया हुआ था। ये रैम यार, दिस थिंग इज प्योर लव, ये मुझे बहुत ही पसंद है। एक बार इसका क्लोज लुक देता हूँ आप लोग को, गाड़ी बहुत अच्छी है, ज़ोरदार गाड़ी है, मतलब ह्यूज ह्यूज थिंग, बैठो तो पता लगता है। इसके अंदर टायर्स भी बाबू जी ने डलवा रखे तगड़े, और गाड़ी भी बहुत 5.7 है, मतलब ह्यूज ह्यूज मशीन, 5.7 लीटर V8 इंजन होगा जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी ट्रक ना खड़ा हुआ, उसकी प्रेजेंस कितनी ज़बरदस्त है। अब ये डॉज की छोटी सी घड़ी जर्नी है तो बहुत ही छोटी लग रही है इसके आगे, बाकी सारी गाड़ियाँ बहुत छोटी छोटी लग रही है। ऐसे कोई ट्रक व्रक लेंगे हीरे? हाँ ट्रक ही लेना भैया, ट्रक ही ड्रीम ही ट्रक है वो। देखे वो ट्रक खड़ा, रैम यार, रैम तो यहाँ पर आतंक बनाई हुई है लोगों ने। ये भी एक खड़ी है बड़ी सी गाड़ी, अब ये कौन सी है पास से जाके देखना पड़ेगा। नेविगेटर कौन सा ब्रांड है भाई ये? लिंकन, वाह। गाड़ियों की तो यहाँ कोई कमी नहीं है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। वो रैम खड़ी है, शायद आप लोग को दिख रही हो, ये क्लास है यार। जो पीछे जो अभी ट्रक पहले देखा था ना वो ज़्यादा सुंदर है, बट ये भी बहुत सुंदर है, इसको ये नहीं कह सकते ये सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है ये भी। और ब्लैक कलर तो थोड़ा ज़्यादा ही ह्यूज लगता है, और वो ग्रे है वो भी बहुत सुंदर कलर है।
वो फोर्ड के वो भी बहुत अच्छे दो। हाँ फोर्ड का भी बहुत अच्छा, फोर्ड रैप्टर भी बहुत सुंदर है, और फोर्ड का एक आता है 150 वो भी बहुत सुंदर। यहाँ पर ये कॉमनली दिखती यही गाड़ियाँ। घर अच्छे अच्छे बने हुए हैं बड़े बड़े रोड साइड पे, इस टाइप का कोई घर हो तीन गैराज वाला, बाहर एक रैम खड़ी हो, एक फरारी खड़ी हो और एक कोई मर्सिडीज खड़ी हो, तो बस थोड़ा मज़ा भी आए लाइफ जीने का। बाकी इंडियन का ही घर है देखो, कली का बाग कंट्री साइड डॉक्टर चौहान, कंट्री साइड डॉक्टर चौहान 3168 कंट्री साइड डॉक्टर चौहान। इंडियंस तो बहुत है, ब्रैम्पटन तो देखो है ही ब्राउन टाउन। यहाँ सारे ब्राउन है, ब्राउन बोल रहे हैं सारे इंडियंस हैं मोस्टली, और सारा ब्रैम्पटन है ही ब्राउन टाउन। गाड़ियाँ भी अच्छी हैं, घर भी अच्छे हैं, और ब्रैम्पटन इज़ अ एक्सपेंसिव प्लेस, मतलब जो यहाँ रहते हो बताते हैं कि ब्रैम्पटन महंगा है, और यहाँ के रेट बाहर इंडियंस ने इतने घर खरीद खरीद के। घर भी बना हुआ है, ये घर ना पूरा पुराना बना हुआ है, क्या GMC किडनैपिंग वैन अंग्रेजों की, वो पुरानी टाइम में कहते थे किडनैपिंग वैन, ये भाई किडनैपिंग करने निकलेगा यहाँ से, चलो हम भागे यहाँ से। और पता लगे हमें आ गया बाहर, क्या हो जी तुम क्या देख रहे हो, क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आज तुम्हें किडनैप कर लूँ। वो सोच रहा होगा कि मुझे तो जाना था किसी को किडनैप करने, ये मुर्गियाँ घर ही आ गई है। ट्रक देखो, ह्यूज ट्रक चलते हैं यहाँ पे बड़े बड़े। ये आप घर देख रहे हैं सेंटर में थोड़ा सा पुराना सा बना हुआ, ये मेरा भतीजा बना बता रहा है, तो उसने नॉलेज दी है कि ये 1990 से पहले ना सारा गांव ही था, और यहाँ पर सारे गोरे ही थे, तो टोरंटो ही होता था, ब्रैम्पटन तो कुछ होता नहीं था। तो फिर जब लोग आए ये बसा, और बस फिर वहाँ पर कुछ किसानों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची, वो चाहते नहीं थे, क्यों वो चाहते क्यों अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। हाँ इसलिए, तो इसीलिए कुछ आइसोलेटेड से घर बने हुए हैं। वैसे आप देखिए यहाँ पर सारे नए नए घर बने हुए हैं, ये देखो सारे ही नए घर हैं हर तरफ, बट वो कुछ कुछ घर जैसे वो पीछे अभी एक गाड़ी दिखाई आपको जिसके अंदर वो लग रहा था किडनैपिंग वैन है क्या है व्हाटएवर, तो ये सब घर नए हैं, और एक ये बीच में ऐसा पुराना है ये, और एक पीछे था, ऐसे बीच बीच में आते रहते हैं, कुछ अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते। कैनेडा के हेलो, ये कैनेडा के पोस्टमैन भी देख लो डिलीवरी करने आए चिट्ठियाँ, हमारे यहाँ पे बेचारे साइकिल पे, यहाँ रखे हैं गाड़ी पे, टाउन एंड कंट्री ठीक है, हर एक का अपना वो है किस्मत, और हमारे यहाँ के पोस्टमैन बेचारे साइकिलों पे आते हैं गर्मियों में, पसीना पसीना होकर लैटरी गीली हो जाती है कई बार तो। मेरा स्कूल, ये तेरा स्कूल है? हाँ, और उसके आगे यहाँ पे पार्क है। वाह बल्ले बल्ले स्कूल है तेरा, क्या नाम है स्कूल का? माउंट रॉयल पब्लिक स्कूल। माउंट रॉयल पब्लिक स्कूल, हाँ। ये प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल होता है? ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ सारे गवर्नमेंट ही होते हैं आई थिंक, नहीं प्राइवेट भी होते पर वो महंगे बहुत होते हैं। यहाँ तो एजुकेशन जो PR है उनको तो फ्री होती है, एजुकेशन और मेडिकल दोनों चीज़ें फ्री होती हैं जो भी PR होता है उसको। हमने यहाँ लेफ्ट जाना ना भाई, राइट कहाँ जाना है? उस साइड जाना है, उस साइड से, पर वहाँ से मैं हमेशा उसी साइड से जाता हूँ। फिर अब कहाँ से जाना है, इधर से जाना है उधर से जाना है? उधर से चलो, वहाँ से शॉर्ट है। चलो यहाँ से चलो जी। हीरा जी क्या कर रहे हो? जस्ट चिलिंग। नहीं ऐसे बस स्टॉप पे, कैसा बस स्टॉप है कि भाई हम बैठे हैं, जो बस स्टॉप पीछे रोड है और आगे ये वाला व्यू है बस स्टॉप पे, और ये हमारी चेयर्स देखो इस तरीके से पड़ी हैं, और हम यूँ बैठे हैं पीछे रोड है, ये क्या सेंस है भाई? तभी इधर मूव क्यों किया हुआ चेयर्स का? ये बैठने यहाँ पे देखने के लिए, ये देखने के लिए बस स्टॉप नहीं है? हाँ ये बस स्टॉप नहीं है, बस स्टॉप होता तो लिखा होता। गलती से मिस्टेक हो गया। भाई ये बस स्टॉप नहीं है, ये बच्चा बता रहा है हमें सब कुछ, क्योंकि ये तो यहीं का है, ये सिर्फ व्यू एंजॉय करने, ये व्यू एंजॉय करने के लिए। चलो आपको भी व्यू एंजॉय कराते हैं। ये है सामने का व्यू, इसमें क्या है भाई? व्यू में तो बर्फ ही बर्फ है यहाँ तो। ये वो पॉन्ड है आगे, ये सारा पॉन्ड है जो बीच में जमा हुआ है। हाँ ये जमा हुआ है, फिर उसके ऊपर बर्फ गिर गई। अच्छा तो ये पॉन्ड के व्यू के लिए बना हुआ है, यहाँ बैठो और पॉन्ड के नजारे लो। हाँ गर्मियों में बहुत अच्छा होता है ये, पर वो यहाँ पे लाइफ टांगे होते क्योंकि यहाँ पे जाना अलाउड नहीं, तो गया होता तो कोई डूब सकता है उसके अंदर। गॉट इट, इसीलिए वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। नेचुरल ब्यूटी बहुत है कनाडा में, खैर ये तो बात तो है। ये रास्ता देखो, नॉर्मल घर जाने के रास्ते इतने सुंदर सुंदर हैं, जो ये इस टाइप के रास्ते और ऐसी लोकेशन ढूंढने हम लोग हिमाचल जाते थे स्पेशली, वहाँ पर तो यहाँ के मतलब मेरा भाई रहता ही है, और यहाँ के रास्ते इतने मतलब अच्छे अच्छे हैं, ढूंढने जाते थे हम स्पेशल, कभी मनाली कभी कहाँ जिस्पा कसौल, कि भाई ऐसे रास्ते मिलेंगे, यहाँ स्कूटर चलाएंगे बाइक चलाएंगे कुछ भी चलाएंगे। कसौल में गए थे ना, वहाँ पे कौन सा गाँव पड़ता ऊपर यार, मलाना टूवर्ड्स मलाना विलेज स्पेशली देखने के लिए। तोश, तोश था मलाना गाँव था, मलाना से पहले गए थे मणिकरण पार करके। हाँ हाँ
तो वहाँ पर इस टाइप का कुछ ब्रिजेस वगैरह आते थे जब मैं कहता था यार ये ब्रिजेस बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को, और यहाँ पर नॉर्मल घरों के बीच में ही है, मतलब यहाँ से सीधा सीधा जाना है अपना घर राइट हैंड साइड पर पड़ेगा। अब बस घर ही जा रहे हैं, आज गए तो थे अकाउंट खुलवाने बट अकाउंट तो खुला नहीं, ये भतीजा साथ था हमारा गाइड यहाँ का लोकल, इसको सारे रास्ते वगैरह सब पता थे, तो थोड़ा सा अच्छी थी वॉक करते हुए घर आ गए। यहाँ पर हर चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, धीरे धीरे यहाँ के रूल्स पता लग रहे हैं कि भाई बाल कटाने जाना तो उसकी भी अपॉइंटमेंट चाहिए कि हाँ जी हमें आज बाल कटवाने हैं, ये करना है, ये एक्स वाई जेड कुछ भी। तो अभी अपॉइंटमेंट मिली है हमें थर्सडे की, तो थर्सडे को हमारा अकाउंट ओपन होगा और उसके बाद ही मतलब बाकी की चीज़ें होंगी। तो अभी तो हम वॉक करते हुए घर आ रहे हैं। हाँ, नए नए व्लॉग्स आते रहेंगे, चाहे वॉक के चाहे किसी भी चीज़ के, यहाँ के लोकल क्या क्या चीज़ें हैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा कि भाई किस चीज़ के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई भाई सोच रहा हो आने की अपनी फैमिली के साथ या अकेले, तो उसको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगी। तो और बाकी जो कारोबार तो लेंगे ही, बट वो लाइसेंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके लिए लंबा प्रोसीजर है, इतना ईजी नहीं है कि भाई आज बोला। हाँ, टाइम टेकिंग है सब कुछ, मतलब ये समझो ना अकाउंट खुलवाने में ही अपॉइंटमेंट मिली है। तो लाइसेंस के भी 3 स्टेप होते हैं, G1 G2 फिर होता है G, और जी मिलने के बाद ही हम चला पाएंगे, और जी मिलते मिलते लगभग 4-5 महीने लग जाते हैं, 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। तो बाकी देखते हैं कितना कम टाइम लगता है या क्या होता है, उसका भी आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि लाइसेंस बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बस आप लोग से यही है कि आपको कैनेडा ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो बस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें आप जैसे जो भाई इंटरेस्टेड हो देखने में। हाँ, आपको यहाँ की लाइफ, यहाँ की चीज़ें डे टू डे लाइफ में जो चाहिए सब कुछ बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, लव यू गाइज, बाय बाय।